नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, सोनी टीवी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में कल के एपिसोड में उत्तराखंड देहरादून से रुद्रपुर के निवासी अजय आनंद हॉट सीट पर बैठे। शासकीय परीक्षा में पूरी यूपी में तीसरे स्थान पर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग सारंगधर में है। वो फिलहाल सहायक आयकर आयुक्त है। हमेशा लोगों को सवाल पूछने वाले अजय आनंद कल के एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। कल के एपिसोड में सोनी टीवी द्वारा शेयर हुए वीडियो में हम अजय आनंद को कहता हुआ देख सकते हैं कि इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है टैक्स। उनका मानना है कि भारतीय आयकर विभाग देश के सबसे अच्छे डिपार्टमेंट में से एक है। इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया तो लोग डर जाते हैं कि कोई अनहोनी हो गई, लेकिन अजय आनंद का कहना है कि सिर्फ नोटिस ही नहीं, कभी कभी रिफंड भी आता है। ये तो परसेप्शन का फ़र्क है। अजय आनंद का मानना है कि उनके लिए काम एक पैशन है। वो सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। ज़्यादातर वो अपनी फैमिली और ऑफिस, इन चीज़ों में अपना वक्त बिताते हैं। 50 लाख के सवाल तक पहुंचने तक अजय आनंद की सारी लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। सवाल का जवाब न आने की वजह से 25 लाख रुपए लेते हुए उन्होंने खेल क्विट करने का फैसला किया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।